हेलो व्यूवर्स, आज का मेरा जो टॉपिक है वीडियो बनाने का वो ये मिली बग्स हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मिली बग्स कैसे होते हैं और कैसे अटैक करके हमारे प्लांट्स को ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल पत्तियों को खा जाते हैं और फ्लावरिंग नहीं होने देते। टचवुड, मेरे यहाँ पे मेरे किचन गार्डन में किसी भी इंसेक्ट्स और मिली बग्स का अटैक नहीं हुआ है, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम नीम ऑयल और नीम की स्प्रे करती रहती हूँ। सिर्फ इस प्लांट्स पे, हिबिस्कस पे हुआ है। तो ये मैंने रखा हुआ था आपके लिए, मैं अपने व्यूवर के साथ शेयर करूंगी। तो हमारे यहाँ रात को मॉनसून की पहली बारिश हुई, तो उसकी वजह से यहाँ से ये प्लांट धोया गया तो इंसेक्ट्स नीचे भी गिरे, मिली बग्स, बट ये पीछे वाली साइड रह गए। तो इनको मैं दिखाऊंगी कि हम इसको कैसे साफ़ करके और इस प्लांट को हम हेल्दी बना सकते हैं, तो वो मैं दिखाती हूँ आपको। आके इंचोजे, मैं अपने व्यूवर्स के साथ ये शेयर करूँगी कि मैं जो ये सीजनल सब्जियाँ हैं उनको मैं कैसे खाद देती हूँ। मैं वैसे स्प्रिंकल या वैसे नहीं करती इसको, मैंने डीकम्पोस्ट की हुई काउडंग की जो खाद है उसको मैं पानी में मैंने भिगो दिया। जिस दिन मैं वाटरिंग करती हूँ उसको मैं पाइप को इसके इसमें लगा देती हूँ, तो नेचुरली बात है कि ये सभी प्लांट्स पर पहुँच जाता है इसका पानी, खाद और इसमें गोमूत्र डाला हुआ। और एक मेरे यहाँ किचन गार्डन की सबसे अच्छी बात ये है कि रात को हमारी यहाँ मानसून की पहली बारिश हुई है, तो आप देखेंगे यहाँ पे इतने केंचुए निकले हैं जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते, ये आप देखेंगे। और इतना केंचुआ, बहुत ज़्यादा केंचुए निकले हैं, तो ये एक अच्छा गुड साइन है कि मेरे यहाँ की धरती और सॉयल बहुत अच्छी है, जिसको अच्छी खुराक, केंचुआ खुराक मिली हुई है। और एक बात मैं और अपने व्यूअर से साथ शेयर करूँगी, कभी भी आप जो सीजनल आप सब्जियाँ गमले में लगाते हैं तो उनके वो आप बड़े प्लांट्स या पक्के प्लांट्स के पास मत रखें, क्योंकि जो इनमें इंसेक्ट्स या मिली बग्स लगता है वो हमारे दूसरे प्लांट्स को भी ख़राब करता है। तो इसके लिए आप उनके लिए अलग एक सेक्शन बनाएं कि जो अटैक उन्होंने सब्जियों पे किया हुआ है तो वो अटैक वो बड़े प्लांट्स पे या हमारे फूलों वाले फलों वाले प्लांट्स पे ना करें। मिली बग्स को हटाने के लिए ये मैं आपको पेस्टिसाइड बनाना बता रही हूँ। ये काम मेरे हिसाब से आपको बरसात से पहले कर देना चाहिए, क्योंकि जो बरसात का पानी होता है वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही एक अच्छा फर्टिलाइज़र भी है और पेस्टिसाइड भी है। अगर हमारे पहले प्लांट्स पे मिली बग्स इंसेक्ट्स लगे होंगे तो वे सारे प्लांट्स को ख़राब कर देंगे और हमारे बरसात के पानी का कोई यूज़ नहीं रह जाएगा। ये राइस है, राइस को मैंने भिगो दिया था और इसमें मैं ये लहसुन की कली एक डाल दूंगी और इसको मैं इस बोतल में भर के रख दूंगी तकरीबन 10 दिन के लिए, ताकि ये फर्मेंट हो जाए। और फर्मेंट होने के बाद का प्रोसेस मैं आपको दिखाती इस लहसुन और राइस के घोल को मैं तकरीबन 10 दिन के लिए या 12 दिन के लिए किसी प्लेस पे रख दूँगी, और उसके बाद इस ये हमारा पेस्टिसाइड तैयार होगा जो हमारे मिली बग्स के लिए बहुत ही एक कारगर औषधि बन जाएगी, पेस्टिसाइड बन जाएगी। आज इस पेस्टिसाइड को रखे हुए हमारे 10 दिन से ऊपर हो गए हैं, तो ये हमारा पेस्टिसाइड तैयार है और इसे हम एक स्प्रेयर की बोतल में भर लेंगे। ये जो हमारा राइस और लहसुन का घोल है जिसको हमने 10 दिन के लिए फर्मेंट होने के लिए रखा था, आप देख रहे हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है
ये इथाइल अल्कोहल बन चुका है जो कि हमारे मिली बग्स के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव पेस्टिसाइड बना है। इस पर एक कोटिंग होती है जो हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते, बट ये इथाइल अल्कोहल की वजह से ये रिमूव हो सकता है और ये मिली बग्स आसानी से छूट सकता है। और उसके बाद हम इस पर नीम ऑयल और नीम की पत्तियों की स्प्रे कर देंगे तो हमारा प्लांट्स बहुत ही हेल्दी और रिच बन जाएगा। इसको ऐसे आप रिमूव कर दें, आप देखेंगे कि ये हमारा मिली बग्स जो है काफ़ी मात्रा में, ये आपको दिखा दूं मैं, चिपका हुआ है और इस एसिड से ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और इसे अच्छे पानी से धोकर तो इस पे नीम का स्प्रे कर देंगे हम। और मिली बग्स लगा हुआ है उसको आप साफ़ पानी से धो दें, साफ़ कर लें आप। और अगर आपके पास ये है कि आप उस टहनी को ही काट दें तो वो टहनी भी आप काट सकते हैं। जैसे ये पत्ता है मेरे पास बिल्कुल ही मिली बग्स ने खा लिया है, बट मैंने आपको दिखाया कि बिल्कुल साफ़ हो गया। अब अगर आप चाहो तो इसको तोड़ भी सकते हो, तोड़ के आप फेंक दो और साफ़ पानी को धोने के बाद आप नीम से इसकी स्प्रे कर दो। नीम से आप इसको इस नीम के पानी को आप अच्छी तरह से बॉयल कर ले और उसके बाद ठंडा करने के बाद हम अपने जो इंसेक्ट्स वाला हिस्सा है वहाँ पे अच्छी तरह से उसकी धुलाई कर देंगे प्लांट्स की, और दूसरे प्लांट्स पे भी मैं स्प्रे कर दूँगी। तो फिर मेरी बरसात के मौसम में कोई फंगस या इंसेक्ट्स नहीं लगेगा नीम की वजह से। अब इसको मैं बॉयल करने के बाद तकरीबन 6-7 घंटे तक रखूँगी क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद इसको हम यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, ये नीम के पानी को आपने ठंडा कर लेना है और जो ये क्रिया है पानी की स्प्रे करने की, दवाई छिड़कने की या कोई भी स्प्रे करते हैं तो आप शाम के टाइम पे करें ताकि हमारे प्लांट्स पे ये सारा दिन और सारी रात स्प्रे लगा रहे और इंसेक्ट्स को थोड़ा सा असर हो। अब मैं इस बोतल में भर लूँगी, स्प्रेयर बोतल में भर के हम प्लांट्स पे स्प्रे करेंगे। और एक मैं यहाँ पे और बात बताऊँगी अपने व्यूवर्स को कि आप जो ये नीम ऑयल है, नीम का पानी है, ये आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं ताकि आप अपने किचन गार्डन में जितने भी प्लांट्स हैं उन पे सब पे स्प्रे कर दें। इसका कोई हर्ज नहीं है, कोई इसका गलत साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये ज़्यादा बेनिफिट ही है जो नीम का पानी है। तो मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया और आगे भी मैं बनाती रहती हूँ, तो मैं सभी प्लांट्स पे इसका स्प्रे कर देती हूँ। तो टच वुड मेरे किसी भी प्लांट्स पे इंसेक्ट्स का अटैक नहीं किया हुआ, वजह सिर्फ यही है कि मैं ऑर्गेनिक तरीके से इन पे स्प्रे करती रहती हूँ। चलो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हम वो जो मिली बग्स वाला प्लेस है उस पे हम इसको कैसे स्प्रे करेंगे। अब हम इसमें स्प्रे करेंगे, अच्छी तरह से प्लांट्स को धो देंगे जहाँ पे हमारा मिली बग्स लगा हुआ था। और एक बात आप ये ध्यान रखना कि आप सभी प्लांट्स पे इसकी स्प्रे कर दें। नीम ऑयल और नीम का तो ऐसा काम है कि ये हमारे प्लांट्स को सेफ्टी ही देता है। आप जो नीम का पानी लेके आए हैं बॉयल किया और ठंडा किया हुआ, उससे आप प्लांट को अच्छी तरह से धो दें। आप देखेंगे इससे सारे मिली बग्स और इंसेक्ट्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। और एक मैंने जो ये चावल का घोल डाला है उससे भी इंसेक्ट्स का अटैक कम हुआ है।
और इससे आप सभी प्लांट्स पे स्प्रे करें तो आप देखेंगे कि आपके किसी भी प्लांट्स पे मिली बग्स का अटैक नहीं होगा और इंसेक्ट्स का अटैक नहीं होगा। आप सभी प्लांट्स पे अब ये हिबिस्कस पे आप देखेंगे ये कितने बड्स से भरा हुआ है, तो आपने अगर नीम के ऑयल का नीम का स्प्रे कर दिया तो ये हमारे जो फ्लावर आएंगे, फ्लावरिंग होगी इन प्लांट्स पे, वो बहुत ही स्वस्थ होगी और बहुत बड़े बड़े फूल निकलेंगे। इसलिए आप इन पे स्प्रे करें। ये काम आप बरसात से पहले कर दें, मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया, अब भी बता रही हूँ, और शाम से पहले ये काम कर दें। और साथ में आप ये अगर काम कर देते हैं तो हमारे जो फ्लावरिंग होगी और फ्रूटिंग होगी वो हमारे प्लांट्स पे बहुत अच्छी होगी। तो इसके लिए आप मेरी वीडियो पूरी एंड तक देखें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स। आप सब्जी वाले किसी भी प्लांट पे इसकी स्प्रे करें और इसका कोई साइड इफेक्ट हमारे शरीर पे भी नहीं जाएगा। आप देखेंगे कि इंसेक्ट्स ना लगने की वजह से हमारी फ्रूटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। लग गई है।